हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ आलू और बैगन की सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो बैगन लिया है, इसे मैंने कट कर लिया है धुलने के बाद, और दो से तीन आलू भी लिया है मैंने, जिसे लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है। अब सबसे पहले एक कढ़ाई को गैस पर रख देंगे हाई फ्लेम पर। उसके बाद इसमें तेल डाल देंगे। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें हम बैंगन और आलू को डालकर भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। भूनने से क्या होता है कि जो टेस्ट होता है सब्जी का वो बढ़ जाता है बहुत। तो इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, दो से तीन मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे। तो इस तरीके से इसे चलाते हुए भून लें, और जब तक ये भून रहा है तब तक हम मसाला बना लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लहसुन, प्याज और हरी मिर्च ली है। इसे थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर लेंगे, और ग्राइंड करने के बाद इसमें डाल देंगे एक चम्मच सब्जी मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे क्योंकि पेस्ट जो है वो थोड़ा सूखा हो गया है। तो इसे एक कटोरी में निकाल लें, और तब तक हम एक बार फिर से सब्जी को चला लेंगे, कहीं सब्जी जल ना जाए। और अब हम टमाटर को भी ग्राइंड कर लेंगे। तो टमाटर को भी ऐसे ही ग्राइंड कर लेना है। तो बस ये भी ग्राइंड हो चुका है, सब्जी भी अच्छी भुन गई है। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें जो हमने मसाला ग्राइंड किया है, टमाटर और जो सब्जी मसाला है, दोनों को डाल देंगे इसमें। तो दोनों को डालने के बाद फिर इसे मिक्स करें अच्छे से। इसी तरीके से मिक्स करते हुए 3-4 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे कि मसाला जो है वो बहुत अच्छे से भुन जाए। जिसमें मसाला है वो जब तक कि एकदम सूखा ना हो जाए, जब तक कि कढ़ाई से हल्का हल्का छूटने ना लगे, तब तक इसे हमें भूनना है, और इसे मीडियम फ्लेम पे ही भूनें। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। मैंने यहाँ पे एक ग्लास पानी का यूज़ किया है, और पानी डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे गैस का फ्लेम हाई कर दें, गैस का फ्लेम हाई करके इसे 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे कि ये बॉयल होने लगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि जो भी मसाला इधर उधर कढ़ाई में लगा है वो सब इसमें मिल जाए। तो ये देखिए ये बॉयल होने लगा है। एक बार इसे अच्छे से चला लेंगे, और फिर इसमें अभी और पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा। तो आधा ग्लास पानी मैंने और डाला है, और अब हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम करके इसे 2-3 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। तो 2-3 मिनट के बाद चेक कर लें कि सब्जी हो गई है या नहीं। अगर नहीं हुई है तो आप इसे फिर से कवर करके फिर से पका लें 2-3 मिनट के लिए, और अगर हो गई है तो फिर इसे चेक कर लें इस तरीके से। तो ये देखिए सब्जी पक चुकी है। अब यहाँ पे हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद, और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इसे चाहे रोटी के साथ खा सकते हैं, या फिर चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है।